बाबूजी आओ आओ, आप अकेले बैठे हैं? बाबूजी मुझे पता हमारे घर में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? धीरज की वजह से, उसी ने सूरज को आपके खिलाफ भड़काया। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाबूजी वो नफरत करता है आपसे। जब कल रात आप चले गए थे ना, तो ना जाने क्या क्या बकरा था आपके बारे में। लेकिन सूरज तो मेरा बेटा है। हाँ, लेकिन उसके दिमाग में हवा भर दी है माँ जी ने। वो भी आपसे नफरत करता है। वो वही करता है जो माँ जी कहती है। तुम ठीक कहती हो बहू, मीता ने सूरज को पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ है। उसे छोड़िए बाबूजी, लेकिन धीरज को तो माँ जी ने पूरी शह दे रखी है। देखा नहीं था आज कैसे खड़ा हो गया था आपकी बेइज्जती करने के लिए, वरना उस जरा से छोकरे की क्या औकात है। अगर मीता नहीं होती तो मैं उसे मजा चखा देता, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगा। वो मेरा बेटा तो है नहीं जो मैं उसे बर्दाश्त करूं। आपके और पूरब के बीच का कांटा है दोनों भाई, इससे पहले ही आप दोनों को सुबह इन्हें उठाकर बाहर फेंक दीजिए। ऐसा ही करना पड़ेगा बहू। हाँ बाबूजी, और जो भी कीजिएगा जरा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। समझे ना मेरी बात? तो अब जल्दी से फैसला कर लीजिए। पुरुषोत्तम, तुम्हें याद है कल क्या हुआ था? किस हालत में तुम घर आए थे? अपने मां बाप से पहली बार बदतमीजी की थी तुमने। तो क्यों बोलते क्यों नहीं? कब से चल रहा है ये पीना पिलाना? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कल रात एक पार्टी में गया था, वहां दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी। अपने बाप से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? सारे घर में बिखरी शराब की बोतलें तेरी झूठ की गवाही दे रही हैं। आप अपनी बहू से जाकर पूछिए कि मैंने पीना क्यों शुरू किया है। मेरी हालत की जिम्मेदार आपकी लाडली बहू है। चुप रह, अपनी गलतियों को बहू की आड़ लेकर छुपाने की कोशिश मत कर पुरुषोत्तम। बहू ने तेरी माँ को सब कुछ बता दिया, उसने जो कुछ किया तेरे लिए किया, और तू उसी को दोष दे रहा है। चल, मेरे लिए क्या? आप देखना चाहेंगे उसने मेरे लिए क्या किया है? ये देखिए और ये देखिए, इन अधमंगी तस्वीरों में अपनी बहू को देखिए। अब तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा पापा। क्या देख रहे हो राकेश? तुमने मेरा नेक्स्ट एड कैंपेन जो रिफ्यूज किया है, उसी की वजह तलाशने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वजह मेरे चेहरे पे तलाश रहे हो? तो तुम ही बताओ गौरी, मैं क्या करूं? मैं तुमसे पूछे जा रहा हूं और तुमों की कुछ कह ही नहीं रही। गौरी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, तो फिर तुम मुझे कुछ बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। राकेश, आजकल मेरे इन-लॉज आए, वो जरा पुराने विचारों के हैं, इसलिए इस तरह से मेरा काम करना उनको पसंद है।
वो मुझे एक भारतीय बहू के रूप में देखना चाहता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपने इन-लॉज की तकियानुसी विचारधारा से लड़ना होगा गौरी। उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हारे सपनों को पूरा होने से रोके। मेरी बात मानो तो तुम अपने इन-लॉज को छोड़ो और इस एड कैंपेन को हाथ में ले लो। इससे तुम्हें शोहरत और पैसा दोनों मिलेगा। मेरा विश्वास करो गौरी, ये एड कैंपेन तुम्हें बुलंदी पर ले जाकर खड़ा कर देगा। राकेश, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मैं तुम्हारा ये कैंपेन नहीं कर सकती, तुम मुझे बार बार क्यों कह रहे हो? अब मैं चलती हूँ, मेरे इन-लॉज मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनो गौरी। गौरी, Yes. Good day, sir. Good day. आपकी चाय सर। रख दो। सुनो। जी सर। ये 100 का नोट तुम्हारा हो सकता है, लेना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं सर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? जी कदम। कदम जी, कितने समय से काम कर रहे हो इस होटल में? काफी समय से, यही कोई लगभग 6-7 साल से। कदम, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आप जो कहेंगे सर, मैं वही कर सकता हूँ। मैं कई तरह के काम करने माहिर हूँ, आप हुक्म तो कीजिए। काम थोड़ा टेढ़ा है सर, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा, और इसके लिए मुझको टेढ़ा काम करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप बताइए तो सही, मुझे करना क्या है? मेरे पास कोकीन का एक पैकेट है, मुझे उसका खरीदार चाहिए। क्या तुम ऐसे किसी आदमी को जानते हो? हाँ सर, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो किसी तरह का धंधा करते हैं। आदमी भरोसे का होना चाहिए। मेरी नजर में भरोसे का एक आदमी है सर, नाम है दाना भाई। वो आपको माल की कीमत भी अच्छी देगा, उसके पास माल की डिमांड भी बहुत रहती है। क्या वो यहाँ आ सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहिए आप कब मिलना चाहेंगे उससे? जितनी जल्दी हो सके तो आज ही। ठीक है सर, मैं उससे बात करता हूँ, और हो सका तो मैं आज ही आपकी मुलाकात भी करवा दूंगा। थैंक यू सर। कदम जी सर, अगर ये सौदा पट गया ना जी, तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। पर एक बात याद रखो जी, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। यस सर। ये सामने टेबल पर जाए। आइए ये इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या खिदमत करें आपकी। कल रात जब हमने राजू को गिरफ्तार किया था, उसके सामने एक आदमी बैठा था, उसे तुम जानते हो? सर, वो तो बिल्कुल नया नया आया था। झूठ बोलोगे तो अंदर कर दूंगा। कौन था वो, कहाँ रहता है? सर, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि मैं उसे पहली बार देखा था। हड्डियां तुड़वाओगे तुम अपनी, जल्दी बताओ कौन था वो। साहब, आप मेरी बात का विश्वास करें, मैंने उसे कल पहली बार देखा था। आप चाहे तो उस वेटर से पूछ सकते हैं जिसने उसे पहली बार ड्रिंक सर्व की थी। बुलाओ उसे। दिलीप, जरा इधर आओ। आया साहब। जी साहब। कल रात राजू के साथ यहाँ जो आदमी बैठा था, उसे तुमने ड्रिंक सर्व की थी? जी। राजू को तुम जानते हो? जानता हूँ साहब, वो अक्सर यहाँ आते हैं। और राजू के सामने जो आदमी बैठा था, उसे जानते हो? नहीं साहब, वो पहली बार यहाँ आया। तुमने ड्रिंक सर्व करते हुए उनकी बातचीत सुनी थी? थोड़ी बहुत सुनी थी साहब। क्या बात कर रहे थे? वो राजू को कह रहा था कि पहली बार मुंबई में आया और पास ही एक होटल में रुका हुआ है। होटल का नाम क्या था? वो मैं सुन नहीं पाया, तब तक मैं दूसरी टेबल पे जा चुका था। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। होटल का नाम तो हम ढूंढ ही लेंगे मैनेजर, मगर मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ,
अगर मुझे पता चला कि तुम उस आदमी को पहले से जानते हो तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर वो शख्स यहाँ दोबारा आया तो तुम तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, समझे? यस सर। इतने दिन हो गए बंबई आए, धनराजम से एक भी बार आकर नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ है। उस लड़के ने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि हम लोग यहाँ हैं या कहीं और चले गए। उसका पता ठिकाना भी हमें मालूम नहीं। उसका इंतजार करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। अब उसका और इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को इनकम का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है लक्ष्मी, हम करें भी तो क्या करें? हम लोग मोहन और जनार्दन जी पर ज्यादा दिन बोझ बनकर भी तो नहीं रह सकते। आखिर हमारे अलावा उनके ऊपर और भी तो जिम्मेदारियां हैं ना। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास कोई काम भी नहीं। नौकरी ढूंढू तो कहां ढूंढू? जब तक कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ से शिफ्ट भी नहीं हो सकते। मैं दीदी से बात करती हूँ कि वो कोई सस्ती सी जगह दिलवा दे हमें किराए पर। जहाँ तक पैसे का सवाल है मैं काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, कपड़े सीऊंगी, बर्तन मांजूंगी, कुछ भी करूंगी। लक्ष्मी तुम ये सब करोगी? इसमें हर्जी क्या है? हमें परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। आपको काम मिल जाएगा ना तो फिर मैं छोड़ दूंगी। मैंने दीदी से बात की है, वो मुझे कोई ना कोई काम जरूर दिलवा देंगे। बस आप हाँ कर दीजिए। तुम ये काम करोगी? दिल छोटा मत करिए। अगर बुरे दिन आए तो अच्छे दिन भी आएंगे। आप बस हाँ कर दीजिए। अगर यही रास्ता बचता है तो मैं कल से ही नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगा। अरे तुम काम करोगे और मैं देखता रहूंगा, ये कभी हो सकता है? गौरी कहां से आ रही हो तुम? गौरी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, कहां से आ रही हो तुम? ये सब क्या है गौरी? आपसे किसने कहा था मेरी एल्बम को देखने के लिए? आइंदा से प्लीज मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गौरी पद्मा ब्रीफकेस देना बेटा। क्या चाहिए मुझसे? मेरा सब कुछ तो ले चुके हो, अब क्या है मेरे पास जिसे लेने आई हो तुम? तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो जनार्दन? मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आई हूं, नहीं मुझे तुमसे कोई शिकायत है। तो फिर किस लिए आई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए सब कुछ छीन लिया। हमारे बीच
जो भी हुआ जनार्दन, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी मैं तुमसे माफी मांगने आई। तुम जो चाहे मुझे सजा दे, लेकिन मुझसे नफरत मत करो। तुम्हारी नफरत मैं नहीं सह पाऊंगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं मर जाऊंगी। मैं चलता हूँ, पहली बार।